लिया, तुम फिक्र ना करो, आंटी अब पहले से बहुत बेहतर हैं और इंशाल्लाह अब जो उनको कमजोरी है वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। बात, मुझे अपनी बेबसी पे गुस्सा आ रहा है। मैंने अपनी माँ और बहनों से बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं उन्हें बेटा बन के दिखाऊंगी, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। बिया ऐसा मत सोचो, तुम तो पहले ही अपनी हिम्मत से बढ़कर सबके लिए कर रहे हो। क्या करती हूँ मैं? मैं कुछ करती होती तो मेरी माँ और बहनें इस हाल में ना होती। बात मुझे सब समझ आता है, अम्मी इस घर को लेकर और आपी की शादी को लेकर परेशान है और यही बात उन्हें बार बार बीमार कर देती है। इंसान के जब हालात बदलते हैं ना तो साया भी साथ छोड़ देता है। वो खाला जो आपी का रिश्ता लेने के लिए खुशामदी किया करती थी, आज वो हमारे बार बार इसरार करने पे भी आप ही का रिश्ता नहीं ले रही। लिया तुम मुझे अपना मान के तो देखो, मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। बस मुझ पर एतबार करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों मिलके इस घर की सारी परेशानियां दूर कर दें। चल रहा है आप दोनों का? तमीज करो, तुम अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हो उस वक्त। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे किस तरह से बात करनी है? हाँ? और अगर ये बड़ी बहन है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि इनको हर चीज की खुली छूट है। मुझे तो बड़े दर्द दे रही थी आप कि अम्मी की तबीयत खराब है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। अब ये सब देख के अम्मी की तबीयत खराब नहीं होगी? फायजा तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे कह रहा हूँ तमीज से बात करो। अरे आप कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले और मुझे तमीज सिखाने वाले? बाहर तुम रहने दो, मैं खुद बात कर लूंगी फायजा से। नहीं, मैं जाके आंटी से खुद बात करता हूँ उसके बारे में। हरगिज नहीं फाहद, अम्मी की जो हालत है मैं नहीं चाहती तुम इस हालत में उनसे कुछ भी ऐसी बात करो। जाहिर है आप क्यों चाहेंगे कि अम्मी को कुछ भी पता चले, क्योंकि बहुत नेक और पारसा बनना है ना आपको अम्मी के सामने, सिर्फ मुझे ही बुरा दिखाना होता है सबने। जो तुम देख रहे हो कितनी बदतमीज हो गई है, और इसकी क्या वजह है? ये तुम लोगों ने इसे सर पे चढ़ाया। फहद प्लीज ऐसे मत बोलो, वो बहन है मेरी। छोटी बहन है तुम्हारी। खैर छोड़ो, अम्मी उठ गई होंगी, उनसे मिलते हैं।